गाइस, आज देखिए बनने जा रहा है दलिया। तो हम लाए थे कल एक पैकेट दलिया, तो यहाँ पे शाम को नमकीन वाला दलिया बनाने जा रहे हैं। तो हम ये देखिए काट लिए छोटा छोटा एक प्लेट आलू और गाजर, प्याज, हरा मिर्चा, तो मटर नहीं है, मटर भी पड़ता है, लेकिन हम इतना ही सामान डालेंगे दलिया में। और तो देखिए तेल में राई डाल दिए हैं और जीरा, जीरा और राई लाल हो जाएगा तो ये सब हम तड़का देंगे। प्याज डाल दिए, मिर्चा डाल दिए, थोड़ा हल्का सा लाल हो जाएगा, फिर गाजर डाल देंगे और ये आलू है, ये लहसुन कूच के रखे हुए हैं, अदरक लहसुन खलबट्टा में कूच लिए हैं। तो देखिए दलिया निकाल रहे हैं, धो के भी डाला जाता है। हाँ धो खिचड़ी बन रहा है तो यहाँ मेरा देखिए सब कुछ लाल हो रहा है। और देखिए ये मेरा आलू है, अभी पापड़ बनेगा तो हम लोग रात में ही पापड़ बना रहे हैं। यहाँ जोर शोर से होली की तैयारी हो रही है, तो एक कुकर आलू उबाल के पीस के इसमें सब कुछ मिला लिए हैं, तो अभी सब लोग मिल के बनाएंगे पापड़। अभी खाना बन रहा है, उसके बाद फिर पापड़ भी बनेगा, 8 बजे से लेके शुरू। तो गुजिया तो बनेगा अभी, अभी तो चिप्स पापड़ की तैयारी हो रही है। तो इधर बन रहा है मेरा रोटी, तो इसमें देखिए गाजर डला गया है, ये भी लाल हो रहा है। अभी इसमें आलू डालना बाकी है, टमाटर भी डलाएगा, फिर दलिया डाल के और हरा धनिया, नमक, पानी डाल के कुकर में 2 सीटी लगा देंगे, इससे दलिया बन के तैयार हो जाएगा, फिर आप लोग को दिखाते हैं। और मेरा सब्जी बन चुका है नेनुआ का, ये रोटी बन रहा है, ये चाय बना के रखी है बच्चे। तो देख लिए आप लोग मेरा दलिया बन रहा है, बनने के बाद देखिए कितना टेस्टी बनता है। तो देखिए इसमें सब कुछ डाल दिए हैं, सब कुछ डाल के भून दिए हैं, अब इसमें डालेंगे पानी। देखिए कितने टेस्टी दलिया बन रहा है। ये मेरा ब्लाउज भी सिला गया है और इसमें फाल भी लग गया है, ये देखिए हम दिखा रहे थे आप लोग को, बोल रहे थे अभी फाल लगवाना है, मेरा दिमाग काम कम करता है, फाल लगवा के आए थे, ब्लाउज भी सिलाए हैं और दिखा रहे तो कह रहे हैं कि अभी मेरे साड़ी में फाल नहीं लगा, ये देखिए फाल लग चुका है, फाल भी लगवा लिए हैं और ब्लाउज भी सिला लिए हैं और बोल रहे थे कि अभी फाल लगवाना है, फिर बाद में मेरा दिमाग काम किया करे, फाल तो हम लगवा के लाए हैं, अब बोल रहे हैं कि फाल लगाना बाकी है। तो देखिए ये मेरा दलिया बन के रेडी है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये इसमें आलू, टमाटर और गाजर, मटर नहीं था तो मटर नहीं डला है, और ये मेरा है नेनुआ की सब्जी, और ये है 2 रोटी, हम 2 रोटी बस खाते हैं, 2 रोटी से ज़्यादा हम कभी नहीं खाते हैं। तो देख लिए मेरा खाना, चलें खाने और टेस्ट करिए, और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से बाद में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं चावल का नमकीन।
तो देखिए हम आधा किलो चावल धो करके दो तीन बार अब कुकर में डाल दिए हैं। इसमें डाल दिए हैं मंगरेल और नमक। तो ये दो तीन तीन चार सीटी में खूब अच्छे से पक जाएगा। तो फिर हम अभी इसको बनाएंगे चावल का नमकीन, वो तेल का पन्नी से डाल डाल के। तो मेरे पास ये है कलर पाउडर, तो हम इसमें कलर पाउडर भी डाल देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसको तीन चार सीटी पक जाएगा, फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब सीटी लगा दिए हैं, ये भी तीन चार सीटी मारेगा। और थोड़ा थोड़ा बदरी भी है, लेकिन थोड़ा धूप हो रहा है, हल्का सूख जाएगा तब भी थोड़ा। और हमें देखिए ये है सरसों के तेल का एक पन्नी, इसी का कोना काट लेंगे और एक तरफ से काट लेंगे चावल इसमें डालने के लिए। फिर हम इसी से नमकीन बनाएंगे। आज संडे है तो आज होगी सफाई, तो भी तकिया गिलाफ गिलाफ सब धोएंगे। तो देखिए हम निकाल लिए फ्रिज का कवर और ये तकिया गिलाफ, अभी सब सरफ में भिगोएंगे, उसके बाद फिर धोएंगे, फिर बाल धो के नहाएंगे। अब सीढ़ी उड़ी भी साफ करना है। तो सब काम कर लेंगे, फिर उसके बाद बाल धो के नहाएंगे। फिर अब मेरा चावल पक गया है, झाड़ू लगा लिए, तेल लगाने पूछा। देखिए ये चावल अच्छे से खूब गल गया है मेरा। इसको थोड़ा हम ठंडा कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर वही तेल की कुप्पी में डाल के फिर नमकीन बनाते हैं, ले चलते हैं छत पे। देखिए चावल एकदम अच्छे से कलछुल से खूब हम मिला लिए हैं, इतना गीला है। तो देखिए तेल के कुप्पी से हम कितना बढ़िया पूरा बना लिए हैं। अभी दो दिन में सूख जाएगा, अब तेल में छान के खाइए, चाय के साथ अच्छा लगता है। देखिए मेरे दोपहर के डिनर में बन रहा है कढ़ी। ये देखिए पकौड़ी छना गया है, कढ़ी बनने जा रहा है, और चावल रोटी कढ़ी, और ये बना है आज केवल प्याज का भुजिया। तो आज के खाने में मेरा यही बन रहा है। कल का पापड़ मेरा भी धूप में रखा गया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो दोपहर में हम खा पी करके सो गए थे, अभी को उठे हैं, अब चल रहे हैं बनाएंगे थोड़ा सा चाय और पियेंगे। तो हम आप लोग से बता रहे हैं कि हमको कढ़ी पे कढ़ी चावल के साथ हमें प्याज का भुजिया बहुत पसंद है। तो हम जब भी कढ़ी बनाते हैं तो प्याज का भुजिया ज़रूर बनवाते हैं। तो दो तीन प्याज ले लीजिए, उसको पतला पतला लंबे लंबे काट दीजिए, फिर लहसुन और मिर्चा का तड़का दे करके उसमें प्याज छौंक दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और आधा चम्मच सब्जी मसाला डाल करके बस चला के थोड़ा धीमे धीमे आँच से
फिर उसको पक जाने दीजिए, फिर कढ़ी चावल के साथ खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो जब भी हम कढ़ी चावल बनवाते हैं तो हम ज़रूर प्याज का भुजिया बनवाते हैं। तो मेरे लड़के को कढ़ी एकदम पसंद है और घर में कढ़ी सबको पसंद है। हम कढ़ी तब भी खाते हैं जब प्याज का भुजिया बनता है उसके साथ, तभी उनको पसंद आता है यार। तो आज मेरा लड़का है नहीं, मामा के घर गया था, तो कढ़ी बना है। और सुबह हम बनाए चावल का नमकीन, झाड़ू वाड़ू लगाए, फिर बाल धुल के नहाए हैं, तो सब काम उम करके थक के सो गए। खाते समय आप लोग के साथ शेयर भी नहीं किए कि मेरी कढ़ी कैसी बनी है। तो कढ़ी तो सभी लोग बनाते हैं, कढ़ी में तो मसाला ज़्यादा पड़ता नहीं है। लहसुन प्याज और जीरा हल्दी पीस करके और पचफोरन में और उसमें हींग में तड़का दे करके बस वही पीसा हुआ मसाला डाल दीजिए। और फिर बेसन घोल करके डाल दीजिए, दही घोल के डाल दीजिए। दही न रहे तो टमाटर छोटा छोटा काट के डाल दीजिए, तो कढ़ी से भी बहुत अच्छा बनता है। तो अभी हम उठे हैं, चलें पियेंगे चाय। तो अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट किया करो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।